जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको एक ऐसा सजेशन बताने वाला हूं जो मैं अपनी गलतियों से सीखा हूं, इन बच्चों की बहुत सारी गलतियों से सीखा हूं। तो उस गलती करते करते बेटा मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया है, वो मैं अपने बच्चों का नहीं होने दे सकता। तो इसलिए वो सजेशन बेटा मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैं एक चीज लिख रहा हूं बेटा, गार्बेज इन, दोस्तों बहुत प्यार से देखना आपको, गार्बेज आउट। अब इस लाइन का मतलब आप लोग समझते हो कि आप बेटा जैसा मटेरियल दोस्तों आप कंज्यूम करोगे वैसा आपका आउटपुट आपका आएगा। अगर आप मटेरियल बेटा अच्छा कंज्यूम करोगे, मटेरियल का मतलब समझते हो बेटा, आप लेक्चर हो गए ऑनलाइन आपके, जैसे कि आप सर्च करते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हो गई है, तो अच्छा मटेरियल या अच्छा डेटा बेटा आप कंज्यूम करोगे तो उसके परिणाम भी क्या होंगे, अच्छे। अगर आपने बेटा गलत मटेरियल अगर आपने प्रिपरेशन के टाइम पर ट्राई किया, कंज्यूम किया, सॉल्व किया, तो उससे रिजल्ट भी क्या आएंगे आपके दोस्तों, नेगेटिव आएंगे। इतना आपको पूरी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम जो भी डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं बेटा कहीं पर भी, तो उसका हमारी लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। अब ध्यान से, तो जैसे कि देखो, आपको एक लाइन पता होगा, मैं कबीर की एक लाइन बता रहा हूँ कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो इस लाइन का भी आपको मतलब पता है। तो ये देखो, अब जहां से भी आप बेटा मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मैं सोशल मीडिया से आपको मानता हूं कि सोशल मीडिया जैसे बेटा यूट्यूब हो गया और बेटा एफबी हो गया, फेसबुक हो चुका है आपका, इंस्टाग्राम हो चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारी, टिकटॉक हम ले लेते हैं, वैसे टिकटॉक आपका बैन हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीजें बेटा आपकी हैं जहां से आप मटेरियल देखते हो। तो अब बहुत सारी चीज़, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम हर एक 30 मिनट के बाद में अपना मोबाइल देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। तो इसके चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी अब आते हैं इस वीडियो के मेन सेगमेंट पे। तो इस वीडियो का जो मेन सेगमेंट बेटा क्या है, बहुत प्यार से, जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो बेटा, ऑनलाइन लेक्चर हो सकता है आप अपनी कोचिंग के देख रहे हो सकता है आप बेटा यूट्यूब से देख रहे हो सकता है आप बेटा और कहीं प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हो, तो आप ऑलवेज क्या करोगे, उसके नोट्स प्रिपेयर करोगे। नोट्स आपको प्रिपेयर करने हर हालत में, अगर मान लो फैकल्टी आपका फास्ट फास्ट पढ़ा रहा है, तो आपको पता है बेटा उसने कहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन कितना पढ़ाया है। तो हो सकता है अगर बहुत फास्ट फैकल्टी पढ़ा रहा है तो आप अप्रोक्सीमेटली मान लो 30% स्टार्टिंग में लिख पाओगे, उसके बाद में बेटा 70% बेटा बाद में लिख लो। मान लो आपने अज्यूम किया आप 50% आपने फैकल्टी के पढ़ाने के साथ साथ में लिख लिया, बाकी 50% आप कब लिख लोगे, जब आप लेक्चर एंड हो जाएगा। तो ऐसे, लेकिन आपको सारी चीज़ें आपको साथ साथ में लिखनी है, सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ में सॉल्व करने, और जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे हाइलाइटर का इस्तेमाल करो, कलर पेन का इस्तेमाल करो, ताकि जब आप एक साल के बाद में या कुछ टाइम के बाद में जब नोट्स को आप रिवाइज करो तो आपको अच्छा लगे कि हाँ यार मैंने जेन्युइन अपने नोट्स बनाते समय मैंने मेहनत की है। तो ये मैंने आपको बोला नोट्स के बारे में। तो आपको नोट्स यार हर हालत में बनाने, आप देखो कोई सा भी मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो तो उसके आपके नोट्स बनाने। जैसे कि मानो बेटा आप इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो, ये नया टिकटॉक है, ठीक है, तो ये नया टिकटॉक है, अगर इस पर बेटा आप रील देख रहे हो तो आप देखो यार ये अपने काम में आ रहा है क्या, क्या अपने गोल में इसका कंट्रीब्यूशन है क्या, क्या इसके नोट्स बन सकते हैं क्या। अगर नहीं नोट्स बन रहे तो बिल्कुल नहीं देखना, तुरंत एलिमिनेट करना है, तुरंत हर हालत में बेटा आपको एलिमिनेट करना है। यही एक तरीका है बेटा आपके सोशल मीडिया को एलिमिनेट करने का। आपके पास में रीजन होने चाहिए ना कि मैं यूट्यूब क्यों देख रहा हूँ, मैं फेसबुक क्यों चला रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम बेटा क्यों चला रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो हर एक चीज़, तो रील के अगर बेटा आप नोट्स नहीं बना सकते तो आप रील नहीं देखोगे। अगर रील कोई मोटिवेशनल रील है, कोई एक इन्फॉर्मेशनल रील है, तो उसको देख के उससे देखो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे काम में आ सकती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे काम में नहीं आ सकती। छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे कि देखो मैं कभी जब मूवी देखता हूँ तो बेटा मूवी के बेटा मैं नोट्स भी बना लेता हूँ। अब आप लोग बोलोगे ये तो सर काफ़ी ज़्यादा हो गया, नहीं, ठीक है, मूवी में बेटा बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं, बहुत अच्छी लाइनें होती हैं, तो मैंने उनके बेटा नोट्स बना लेता हूँ। जैसे कि देखो, एक मैंने मूवी देखी थी केमिकल हर्ट, तो देखो यार इसके मैंने यार नोट्स बना लिए, तो
तो इसके नोट्स बना लिए। इसके नोट्स के मतलब बनाने का मतलब क्या, छोटी छोटी लाइनें जो मेरे को अच्छी लगी वो मैंने नोट्स बना लिए, ताकि मेरे को पता रहे मैंने ये डेटा कंज्यूम किया था, मेरे को सारी चीज़ें पता रहे। तो आज की वीडियो का जो मेन सेगमेंट बेटा क्या था, कहीं से भी आप लेक्चर देखो, कोई भी एडिशनल लेक्चर देखो या कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चर देखो, आपको बेटा नोट्स आपको हर हालत में प्रिपेयर करने। रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स के मैंने आपको दूसरी वीडियो बनाई, उसको देखे जरूर। तो ये आपको हर हालत में आपको दोस्तों आपके नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए, जब भी फैकल्टी पढ़ा रहा उसके साथ में लिखें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे ना आपको इंगेजमेंट बढ़ेगा, लेक्चर में आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो आपको भी फील आएगा कि हाँ यार मैं भी लेक्चर में आपका बैठा हुआ हूँ, मैं भी लेक्चर में अच्छे से प्रिपेयर कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। और क्या होता है ना कि देखो अभी ऑनलाइन में क्या हो चुका है कि ऐसा लगता है कि एक आदमी रामायण कथा सुना रहा, दूसरा सब पूरी सुनने वाली एक जनता, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ तो आपको बेटा समझना है सारी चीज़ें और उसको लिखना है। और आपको पता है ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने आज पढ़ी है तो कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके उस इन्फॉर्मेशन को आप भूलते जाते हो। तो आप नोट्स क्यों बना रहे हो, ताकि देखो नोट्स क्यों बनाए आपने बेटा, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसको एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद में अच्छे से प्रॉपर रिवाइज कर पाओ। और जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको पता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। तो नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करने। अब पूरे दिन में मान लो आपने कुछ मटेरियल पढ़ा है, कुछ आपने नोट्स लिख लिए, आपने उतना मटेरियल पढ़ा है, अब उस नोट्स को बेटा कब आपको रिवाइज करना है, तो देखो बहुत प्यार से, जब भी रात में आप सोने जा रहे हो, ठीक है, सोने जाने से पहले बेटा एक घंटा पहले, तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आज पढ़ी है सभी को बेटा रिवाइज करें, उसको हाईलाइट करें और देखें क्या क्या पिन पॉइंट है आपको समझ में नहीं आए। अगर कोई पिन पॉइंट है नहीं समझ में आए तो ऐसे हाईलाइट कर लें, अपने रेस्पेक्टेड फैकल्टी से पूछ लें या गूगल की हेल्प ले लें या फिर आप यूट्यूब की हेल्प ले लें, कहीं से भी ले सकते हो। तो आज की वीडियो का बेटा जो मेन सेगमेंट था मैं आपके सामने दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि वो था आपका कि आपको नोट्स हर हालत में आपको प्रिपेयर करने। क्योंकि देखो मैंने क्या गलती की थी, मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखता था, बहुत सारी चीज़ें देखता था लेकिन नोट्स नहीं बनाता था। तो अगर मैंने आज का कोई लेक्चर देखा था उसको मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद में बेटा भूल जाता था। तो वो आपको नहीं करना, आपको कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाए। और एक और चीज़, अगर हो सकता है कि आपके पास में टाइम की कमी हो, कि आपके पास में टाइम की बाउंडेशन हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपके पास में टाइम की बाउंडेशन है तो आप जो भी पढ़ रहे हो जैसे कि यूट्यूब से कुछ पढ़ रहे हो तो उसके स्क्रीनशॉट लोगे, उसको प्रॉपर अरेंज करोगे एंड उसको बेटा अपने गूगल ड्राइव पे या फिर बेटा आपके एप्पल क्लाउड पे, जो भी आपके आई क्लाउड पे, ठीक है, जो भी आपके पास में हो उसको सेव कर लोगे, ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म में आपके पास में हो, ठीक है। इतना ये लेकिन कब करना, जब आपकी बस्ट कंडीशन है कि हाँ अपने पास में बिल्कुल टाइम है ही नहीं, ठीक है, तो जो भी एडिशनल पढ़ रहे हैं हम उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखो मैं कैसे स्क्रीनशॉट लेता हूँ ये भी मैं आपको ऐड करके बता दूंगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो। तो इसी के साथ में हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करो।